सर आप हमेशा 36 कॉम कहते हैं और क्षत्रिय हमेशा 35 कॉम कहते हैं, तो ये कब 36 का 36 में बदलेंगे? ये सब 36 के 36 में बदल गए सर, बदल ही रहे हैं। अब आप और देख लो, सीकर की रैली में बदल जाएंगे, कई लोग आ रहे हैं जुड़ रहे हैं। देखो मैं तो किसी जाति के तो खिलाफ हूँ नहीं, मैं तो कोई क्रिमिनल अगर क्राइम करता है, कोई बदमाशी करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मैं तो उसके खिलाफ करता हूँ। मैं तो हर वर्ग को साथ लेकर चला हूँ। तभी तो इस मोदी के तूफान के अंदर भी रुक गया था, 7 निर्दलीय जीते थे, 6 वसुंधरा और गहलोत की गोद में बैठ गए और मैं अकेला राजस्थान के जवानों की लड़ाई ली, और इस लड़ाई के अंदर निश्चित रूप से आप सबका सहयोग रहा तो हमारी जीत होगी इस लड़ाई का। युवाओं ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रखी है, अगला सीएम हनुमान बेनीवाल। देखो मैं कोई मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर नहीं हूँ, अभी तो मैंने आपको कहा कि मैं सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ रहा हूँ, जिन मुद्दों को लेकर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ये वास्तविकता है। आप भी जानते हो नौकरियां नहीं लग रही है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, 4 लाख पद खाली है, जवान फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं, गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही है, और अपराध के अंदर भी अगर सबसे बड़ा योगदान है अपराधी बढ़ाने का सरकार का, रोजगार देती नहीं, लड़के बंदूक उठा के चले जाते हैं, करोड़पति बनेंगे, लखपति बनेंगे, इस दिशा के अंदर किसी न कहीं कहीं क्राइम के अंदर उलझ जाते हैं। तो सरकार को बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान के लिए नीति बनानी चाहिए, अगर नीति नहीं बनाई तो आने वाला टाइम राजस्थान के अंदर और भयानक होगा। हम आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये तो जवानों का प्यार है मेरे लिए कि हनुमान बेनीवाल हमारा सीएम होगा। मैं सीएम की दौड़ के अंदर नहीं हूँ फिलहाल, सीकर के बाद में जयपुर के अंदर जिन मांगों को लेकर मैं लड़ रहा हूँ, राजधानी को हम घेरेंगे, जयपुर में बैठेंगे हम, और तब तक सरकार मानेगी नहीं, तब तक हम उठेंगे नहीं, खाली रैली करके और टाटा बाय बाय नहीं करेंगे जयपुर के अंदर, राजधानी को घेर लेंगे, वसुंधरा सरकार को घेर लेंगे और मांगे मनवाएंगे, और मांगे नहीं मानते तो आर पार की लड़ाई जयपुर के अंदर होगी इस बार, और उसके बाद हम नई पार्टी के साथ मैदान के अंदर आएंगे। थर्ड फ्रंट की जगह आपने कहा हम फर्स्ट फ्रंट बनाएंगे। फर्स्ट फ्रंट का मैंने इसलिए कहा ना कि लोग जिस तरह जुड़ रहे हैं, जिस तरह लोगों को प्यार प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है 36 कौम के लोगों, इससे लग रहा है कि लोग कांग्रेस के नेताओं के तो मीटिंग कराने के लिए उनको सांसें अटक जाती हैं उनकी, 5,000 की भीड़ करने के लिए वो सारे के सारे लग जाते हैं, गाड़ियां लगाते हैं, और ये लाखों की भीड़ लोग अपने मन से गाड़ी घोड़े लेके आते हैं, हमारे बच्चे खुद की जेब खर्ची से वाहन इकट्ठा करके भर के और ले आते हैं, मेरी रैलियों में खर्चा ही नहीं हो रहा, इसका मतलब परिवर्तन चाहते हैं। अब तो जयपुर तक करेंगे, जैसे फेरी लगती है ना मंदिर के अंदर, आपके फेरी की शुरुआत यूँ करते हैं, तो नागौर से फेरी की शुरुआत की, बाड़मेर बीकानेर सीकर और ये हो गई फेरी। सबसे पॉपुलर नेता हैं जब भी हम आपको कवर करते हैं, इसका कारण? इसका कारण एक, मैं ईमान राजनीति के अंदर रहते हुए मैं मजबूती से लड़ता हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ, लोग पॉलिटिक्स दिमाग से करते हैं और मैं दिल से राजनीति करता हूँ, और इसलिए मैं, मुझे अगर मंत्री बनना होता 15 साल पहले ही बन जाता, अभी तो दोनों पार्टियां मेरे पीछे पीछे घूम रही साल भर से, लेकिन मैं मेरे दरवाजे तक नहीं आने देता किसी को, लड़ना है मतलब लड़ना। चुनाव तक तटस्थ रहेंगे? नहीं, चुनाव तक तटस्थ क्या, वो नया फ्रंट लेके आ रहे हैं ना, फर्स्ट जो थर्ड होगा वो फर्स्ट होगा राजस्थान के अंदर। देखो हम सब लोगों से बात करेंगे, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो भी लोग हैं हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, हम सबके साथ हैं, कांग्रेस बीजेपी को राजस्थान के अंदर रोकने का प्रयास करेंगे। अभी सीकर के अंदर ऐसा धमाका हो सकता है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर रहे। अभी मेरे पास रस्ते में टेलीफोन आया था किसी का कि हम शामिल होना चाहते हैं, मैंने कहा तो बहुत बाद की बात है, अभी तो कोई पार्टी थोड़ी बनी हमारी, तो कोई बड़ी बात नहीं कि रैलियों के अंदर कई लोग दिखे आपको, वैसे चले हुए कारतूसों को नहीं लूंगा मैं, जो मान लो किसी की जमानत जब्त हो गई, कोई कुछ हो गया, वैसे मैं चले हुए कारतूसों को नहीं देंगे, नहीं लेंगे, जो मजबूत हो, जिनमें दम हो, जो युवाओं के लिए लड़े, आम आदमी के लड़े, और जिनकी छवि अच्छी हो, ऐसे लोगों के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। एक ही तो गए और कौन थे, और आप दोनों ही तो, अब सुनो, एक गए हैं और 2-3 और आ सकते हैं मजबूत, आ सकते हैं या पक्का आएंगे? आएंगे, पक्का ही आएंगे, जब जो मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूँ थर्ड फ्रंट फर्स्ट फ्रंट, अगर किसी के पीछे युवा किसान और 36 कौम का आदमी किसी को सुनने के लिए जाता है या उसे पसंद करता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला, इसीलिए तो करता है, बाकी मैंने कुछ अभी सरकार में रहकर कोई नौकरी थोड़ी लगाई बच्चों की, लेकिन इनको भरोसा है कि लड़ेंगे हमारे लिए, ये आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, और ये निश्चित है कि बहुत नेता हमारे संपर्क के अंदर है, अगर अभी तक मेरी पार्टी बन जाती तो मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ उनकी, वो तो बनी नहीं, अभी मैं भी ये कह रहा हूँ सत्ता प्राप्ति नहीं लड़ रहा हूँ, इन मुद्दों पर हमारी लड़ाई है, जो हुंकार नागौर से भरी थी वो जयपुर को घेरेंगे, सीकर के बाद जयपुर का नंबर है और वहीं से पार्टी की घोषणा हो जाएगी, उससे पहले पहले आपको शेखावाटी की रैली के अंदर भी बहुत चेहरे नजर आएंगे जिनका आप सोच भी नहीं सकते।